जय शनि। प्रिय भक्तगण, मैं गुरु मा रोकमणि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारे शनिपीठ मंदिर से आप सभी लोगों के लिए प्रसारित किया जाता है, ताकि आप सभी को मैं ज्ञान दे सकूं, आप सभी से अपना आनंद बांट सकूं, आप सभी को ईश्वर की ओर ले जा सकूं, और जो भी जीवन में परेशानी आ रही है मिलकर के हम उसे दूर करें और अपने जीवन को और उन्नत और सक्सेसफुल बनाएं। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो ये है राशि फल। अक्टूबर आने वाला है, बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हमारा अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2018 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज सभी राशियों के लिए अक्टूबर 2018 कैसा रहेगा मैं आपको तो बताने वाली हूँ। श्रवण्यम कीर्तनम स्मरण्यम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पे क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब करें, अथवा डिस्क्रिप्शन में जाकर के सब्सक्राइब का लिंक हमने दिया है उस पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब पेज पर जाकर के बेल का आइकन यानी घंटी का आइकन अवश्य दबाएं, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगे। अक्टूबर के महीने में नवरात्रि का शुभ पर्व आने वाला है। अक्टूबर वैसे तो बहुत ही भक्तिमय रहता है, क्योंकि माता का आगमन होता है, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं और उनकी विजय की गाथा गाते हैं, दशहरे का पर्व आता है। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की है, नवदा भक्ति इसे कहते हैं। सबसे पहली भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वो है श्रवण भक्ति, यानी कि जो हम सुनते हैं, चाहे आप कोई भजन सुने, चाहे किसी गुरु की वाणी सुने, वो सभी श्रवण भक्ति में आता है। श्रवण करने से सात्विक चीजों को, भगवान के नाम को, भक्ति में और प्रगति होती है, स्थिर होता है, तो इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। सबसे पहली भक्ति का मार्ग नवदा भक्ति में से यही है। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति जब आप भगवान का नाम किसी के साथ लेते हैं, आप ग्रुप में भगवान का भजन करते हैं, आप भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करते हुए भगवान के भजन गाते हैं, उनके सुंदर स्वरूप का व्याख्यान करते हैं, भजन में उनसे एक तार जोड़ते हैं, अपने हृदय की बात भजन के द्वारा उनसे रखते हैं, वो है कीर्तन भक्ति। फिर आती है स्मरण भक्ति। एक स्थान पे बैठ करके अथवा पूरे दिन चलते चलते जब आप भगवान का नाम स्मरण करते, कोई भी एक आप नाम ले सकते हैं, कोई भी आप परमात्मा का, उसके तो कितने नाम हैं, आप किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। बार बार किसी नाम का उच्चारण करना, जैसे राम राम कहना, जैसे कृष्ण कृष्ण कहना, किसी मंत्र का उच्चारण करना, ये सभी सुमिरन में आता है, क्योंकि इसके माध्यम से भी आपका मन शुद्ध होता है, संसार की जो व्यर्थ की बातें हैं उससे हटता है और अच्छी जगह लगता है, एक ही तरफ आप फोकस करना सीखते हैं और भक्ति में ऐसे भी प्रगति होती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। उसके बाद चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति यानी अगर आप ईश्वर के चरणों की सेवा करें, आप अपने आप को उनके चरणों का दास समझ, अथवा आप अपने गुरु के चरणों की सेवा करें, अथवा आप अपने माता पिता के चरणों की सेवा करें, इस भक्ति में आपको याद होगा भक्त पुंडरीक, उन्हें विट्ठल मिल गए, उनके घर स्वयं विट्ठल आए जब वो अपने पिताजी के चरण दबा रहे थे, क्योंकि उन माता पिता के चरणों में ही उन्होंने ईश्वर को पाया। यह है पाद सेवन भक्ति। सेवा करते करते मन इतना शुद्ध हो गया कि ईश्वर स्वयं उन्हें पूछते हुए आते। फिर आती है भगवान की अर्चना करना। आप भगवान की जो आरती उतारते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो हो गई अर्चना भक्ति। हमें कम से कम सुबह सुबह उठ करके पाठ पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे भी भक्ति में प्रगति होती है। फिर आती है वंदन भक्ति, भगवान का वंदन करना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना,
उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, जैसे आप 40 साल 24 साल इस तरह से उनकी स्तुति का गान करते हैं, उसे कहते हैं वंदन भक्ति, भगवान की वंदना करना, उनकी लीलाओं का गान करना, वो वंदन भक्ति में आता है। फिर आती है दास्य भक्ति, यानी कि जब हम अपने आप को भगवान का सेवक दास समझते हैं और उसी हिसाब से जीवन यापन करते हैं, जो मिल रहा है उसको प्रसाद बुद्धि के हिसाब से ग्रहण करते हैं और उसे भगवान का प्रसाद समझते हैं, भगवान के ऊपर अपना सारा दारोमदार छोड़ देते हैं और केवल उनके सेवक नौकर बन करके रहते हैं, यह है प्रभु जो दे रहे हो तुम दे रहे हो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। ऐसे करने से भी, ऐसी भक्ति करने से भी हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होता है और भक्ति में और प्रगति होती है, हम अध्यात्म में और आगे बढ़ते हैं। फिर आती है साख्य भक्ति। साख्य भक्ति, इसके अंदर हम भगवान से सखा भाव रखते हैं, मित्र का भाव रखते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए जो मित्र है, जो सखा है, ईश्वर के अतिरिक्त हमारे कोई नहीं, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी बंधन हैं, वो इसी धरती पे बनते भी हैं और मिटते भी हैं। जिनसे मिले हो उनसे वियोग होना निश्चित है, लेकिन ईश्वर वो ऐसे सखा है, ऐसे मित्र है, ऐसे बंधु है जिनसे कभी विछोड़ नहीं होता। उनके साथ ही आए थे और जब जाओगे तब भी वो साथ होंगे। तो अपना मित्र भगवान को समझना, ये साख्य भक्ति है। भगवान से अपने दिल की सारी बात करना, बैठ जाओ भगवान के सामने, कोई भी कष्ट है उनसे बात करो, उन्हें कहो, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करें। इसके उसके उसके पास जाने से अच्छा है हम ईश्वर के पास जाएं और उनसे बात करें, उनसे सखा भाव रखें। सुबह दोपहर शाम जब ये भाव आपके मन में रहता है, बढ़ता है, तो इससे भी भक्ति में और प्रगति होती है। फिर अंत में आता है आत्मनिवेदन। इस भक्ति के अंदर हम अपना सर्वस्व भगवान को न्योछावर कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ हम भगवान को न्योछावर करते हैं और अपने आत्मा से, उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यही है आत्मनिवेदन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, किसी एक मार्ग पे चलें और उस मार्ग पे चलते चलते आप पाएंगे कि मन स्थिर होने लगा, मन और फोकस्ड होने लगा, मन भक्ति में और बढ़ने लगा, और जैसे जैसे ईश्वर के पास जाओगे वैसे वैसे पाओगे कि अब ईश्वर तुम्हारी सुनने लगे। अब जो भी मन में इच्छा होती है, कामना होती है, ईश्वर के पास जाते हैं तो वो अवश्य ही सहायता करते, उनके नित्य नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। भक्ति का तो आनंद ही दूसरा। तो भक्ति में और प्रगति करने के लिए नवदा भक्ति का स्वरूप मैंने आपको बताया है, इस पे अमल जरूर करें, इसमें से एक भक्ति का प्रकार अपने जीवन में उतारें और आप देखेंगे कि आनंद ही आनंद है। अब बात करते हैं सभी राशियों के बारे में। ये जो राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये राशिफल एक जनरल प्रिडिक्शन है, यानी कि सभी के लिए समान रूप से एक भविष्यवाणी है, राशिफल है। सभी लोगों को 12 राशियों में हम बांट करके देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उनका राशिफल बताते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत जीवन में और कोई ग्रह इस समय चल रहा हो, गोचर में कोई समय चल रहा हो, तो उस समय हो सकता है ये आपको पूर्ण फल प्रदान नहीं करे, लेकिन सभी राशियों के लिए ये राशिफल काम करेगा। अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, इस समय आपके साथ कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो धन की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे नौकरी की हो, मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या लव में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपनी कुंडली यदि आप मुझसे दिखाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप या स्काइप की वीडियो कॉल के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई फ्री सेवा नहीं है, पेड सर्विस है। इसके अंदर जो भी फीस आती है, एक छोटी सी फीस हम चार्ज करते हैं, जो कि हमारे शनि मंदिर का जो व्यवस्था है उसे चलाने के काम आती है, जो हर शनिवार को हमारे शनिपीठ मंदिर से हम प्रसाद का वितरण करते हैं, हलवे का प्रसाद बहुत सारे भक्त गणों और गरीबों के बीच में बांटते हैं, उसके लिए ये कार्य में आती है। समय समय पर जो लंगर सेवा का आयोजन करते हैं उसमें काम आती है, और जो फ्री लड़कियों को कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें काम आती है।
तो आप इस छोटी सी फीस को देने के माध्यम से इसमें सहयोग दे सकते हैं और हम आपकी जन्म कुंडली देख करके जो भी समाधान आपके लिए श्रेष्ठ होगा वो आपको बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर यदि आप उसे करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। मैं और हमारे गुरुजी गुरु रजनीश ऋषि जी हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, सबको लाभ होता है, सबको आनंद होता है। तो यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप बिना झिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, हमारे वीडियोस के बीच में नीचे बैनर के रूप में जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है या स्टार्टिंग में जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है आप इसे क्लोज ना करें, इसे देखें, हो सके तो इस पर क्लिक भी अवश्य करें क्योंकि इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसा आता है, हम अपने शनि मंदिर के लिए और इन्हीं सभी सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। कन्या राशि वालों की, वर्गो राशि वालों की बात करेंगे, समाज में इन्हें एक अच्छा पद प्राप्त होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। समाज में इनको नाम सम्मान होने के भी आसार हैं। किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से भी आपका मिलन हो सकता है, आपका मेलजोल हो सकता है, जो कि समाज में एक अच्छा पद, एक अच्छा स्थान रखता है। अध्यात्म की ओर भी आप बढ़ेंगे। आपका हो सकता है किसी बड़े धर्म गुरु अथवा किसी गुरु से संपर्क हो जो कि आपको वो अध्यात्म की ओर ले जाए। जो अभी पढ़ रहे हैं, जो स्टडीज में हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ाई के लिए भी ये बहुत अच्छा समय। एक सलाह देना चाहूंगी, अंधविश्वास से इस समय में दूर रहें, भगवान पे विश्वास रखें लेकिन अंधविश्वास से आप दूर रहें। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें